अल्ल माफी देवे, ऐसे सड़े हुए केले लेकर आया एकदम गले हुए, और ये सेब धोकर अभी तक नहीं लाई। चांदनी, ये चांदनी। ये चांदनी, चांदनी आई। आई 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 तो तौबा है माँ, आपको भी हर चीज फौरन चाहिए होती है। कब से तेरे को आवाजें लगा रही, तू इतनी देर में क्यों आई? तो शरबत बना रही थी, उसमें भी टाइम लगता है। अपने अंदर थोड़ी सी फुर्ती लेकर आ, तेरी शादी होने वाली, ससुराल वाले तेरी ये सुस्तियां नहीं बर्दाश्त करेंगे। ए, फैजान का फोन आ रहा, उठा। नहीं करनी भाई बात। उठा ले, तेरा मंगेतर है, कोई जरूरी बात होगी। उठा नहीं, उठा ना। और हाँ, आज पालक के पकोड़े बना लेना, वरना तेरे अब्बा गुस्सा करे। अच्छा भाई। हाँ भाई, क्या है? करो, बिल्कुल करो, और कर सकते हो, लेकिन अभी ना मैं थोड़ा बिजी हूँ। तुम्हारे पास तो कभी भी वक्त नहीं होता है। चलो मैं रात को 12 बजे कॉल करूंगा, तो हम फिर बात कर लेंगे। ओ नहीं नहीं भाई, आज नहीं। आज मुझे बच्चों की कॉपियाँ चेक करनी है, उनका रिजल्ट बनाना है, उन्हें होमवर्क भी देना है, और फिर शादी की तैयारियाँ करनी है। क्या जानी, तुमने अब तक स्कूल से रिजाइन नहीं किया है? नहीं, लेकिन हमारी बात हुई थी, तुमने कहा था तुम छोड़ दोगी। हाँ पता है मुझे, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं पढ़ाना चाहती हूँ। तुम्हें किस बात की फिक्र है? मैं तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। दुनिया क्या कहेगी, फैजान डॉलर वाला की बीवी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती है। फैजान, कमी तो मेरे अब्बा ने भी कभी नहीं होने दी, और ये मैं काम पैसे के लिए नहीं करती, अपने शौक से करती हूँ, मेरा दिल करता है इसलिए। तुम्हें क्या अच्छा लगता है ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि मुझे क्या बुरा लगता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम ना पढ़ाओ, और ये मेरा हुक्म है। तुम ना मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ चांदनी, मेरा हुक्म मानना तुम पर फर्ज। हुक्म सही है या गलत, मानना या ना मानना, इसी बात पर डिपेंड करता है। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। मैं तुमसे बाद में बात करूँ तफसील से। हॉर्ड में जाओ तुम।